नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इलस्ट्रेशन ब्लॉक से पहले, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। टेबल में फॉर्मेटिंग में दो डिजाइन आता है, डिजाइन आता है और दूसरा हमारा लेआउट आता है। उस दोनों फॉर्मेटिंग के एक एक ऑप्शन को मैंने क्लियर कर दिया था। और इस टॉपिक में मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें हमारे आने वाले वीडियो से। एक बात और मैं बता दूं कि आप जो भी वीडियो है, हमारा वीडियो का सीरीज चल रहा है, इस वीडियो में एक एक सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक भी सेकेंड का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके काम का नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरे कंटिन्यूसली देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। तो चलिए, आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका थोड़ा सा एक छोटा सा समरी लेते हैं। आज की क्लास में इलस्ट्रेशन ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते कैसे करते हैं, पिक्चर का पोजीशन कैसे चेक करते हैं, उसका पोजीशन चेंज कैसे करते हैं, अप डाउन कैसे करते हैं, सेव कैसे लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर एमएस वर्ड में किसी भी कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब हम लोग पढ़ रहे हैं और इंसर्ट टैब में हमारा ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इलस्ट्रेशन में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है पिक्चर। देखिए, यहाँ पिक्चर्स लिखा हुआ है, इस पे डाउन एरो है, इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ दो ऑप्शन है, सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, यानी आप कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। पहला है दिस डिवाइस, यानी आप इस सिस्टम में, इस कंप्यूटर में ही पिक्चर रखा हुआ है और उसे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा लोकेशन कि आपका पिक्चर कहाँ है। तो देखिए, यदि आपके कंप्यूटर में आपको पता है कि आपका पिक्चर ड्राइव डी में है, ड्राइव ई में है, या फिर आपका पिक्चर डेस्कटॉप में है, जहां भी है वहां से आपको उस फाइल को चूज करना है। तो चलिए, मेरा पिक्चर डेस्कटॉप पे है तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद देखिए एक फोल्डर बनाए हुए हैं इमेज नाम से। इस इमेज नाम वाले फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ एक पिक्चर है मेरा बुलसाई। इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर देखिए हमारे एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए, पिक्चर जैसे ही इंसर्ट हुआ यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है और ये एक एक ऑप्शन है जो फॉर्मेट पिक्चर का, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी सारे ऑप्शन हैं और फॉर्मेट का ऑप्शन का एक अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि ऐसे अगर इस वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पिक्चर इंसर्ट की, अब यहाँ से देखिए ये इसे बोलते हैं हैंडल, इसे बोलते हैं हैंडल। इस हैंडल को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से इसका साइज आप छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका साइज छोटा हो रहा है, आप नीचे से भी इसका साइज छोटा कर सकते हैं और भी ज्यादा छोटा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा किधर से करना चाहते हैं, वो आप इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये रोटेट बटन है, यहाँ से अगर राइट साइड में रोटेट करेंगे तो आपका ये पिक्चर रोटेट होगा। तो इस तरह से इस पिक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ आपको मैंने पढ़ाया कि आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर रखा हुआ है तो एमएस वर्ड में आप उसे कैसे इंसर्ट करेंगे। चलिए फिलहाल मैं इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूं। अब फिर से देखिए, मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूं, उसके लिए कहां जाना होगा, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में फिर पिक्चर वाले ऑप्शन पे। दिस डिवाइस का मतलब समझ गए होंगे आप, यदि हमारे कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर है और उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो दिस डिवाइस में जाएंगे। चलिए एक बार और मैं आपको बताता हूं कि दूसरे लोकेशन से कैसे इंसर्ट करेंगे। तो दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो इस बार, क्योंकि इससे पहले मैंने डेस्कटॉप की इस लोकेशन को लिया था, इसे बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन मेरे पास आ चुका है, बट मुझे यहां से पिक्चर इंसर्ट नहीं करना, मुझे दूसरे लोकेशन से पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो जिस लोकेशन से मुझे इंसर्ट करना है सबसे पहले मुझे उस लोकेशन पे जाना होगा। तो दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं ड्राइव डी में। ड्राइव डी में जाने के बाद बुलसाई एडवेंचर्स का एक फोल्डर है, उसमें जाने के बाद मेरा एक फोल्डर है डाटा नाम से। इस डाटा वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ एक इमेज का फोल्डर बना हुआ है। अब इसमें से हम कोई भी पिक्चर यदि इंसर्ट करना चाहते हैं
तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। चले यहाँ से कोर्स का कंटेंट है ये, मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हमारे एमएस वर्ड के पेज में ये पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। तो ये जो इंसर्ट करना आपने देखा, ये था कि आप ऑफलाइन कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे। चलिए फिलहाल इसे डिलीट करते हैं। ऑफलाइन कहने का मतलब ये, यदि आपके सिस्टम में कोई पहले से पिक्चर रखा हुआ है और उस सिस्टम में, उस एमएस वर्ड में, उस सिस्टम के ही पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब दूसरी चीज आइए सिखाते हैं कि यदि आपके सिस्टम में वो पिक्चर नहीं है और ऑनलाइन आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है। नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ सर्च बिंग में आप उस पिक्चर को सर्च करेंगे जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी यहाँ से सर्च होगा। देखिए यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, बता रहा है इंटरनेट एक्सेस। जब तक आपके सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सर्च करते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे सर्च करना है बुलसाई, इंटर बटन प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये सर्च करेगा। देखिए यहाँ बुलसाई का लोगो आ जाएगा, ढेर सारा पिक्चर आएगा, इसमें से जो भी पिक्चर आपको पसंद आएगा उस पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए सपोज कीजिए मुझे ये अच्छा लगा, तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे देखिए, यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दिए। कुछ सेकेंड वेट करना है, ये डाउनलोड होकर के देखिए यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोडिंग पिक्चर वन, डाउनलोड होकर के बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ भी दो ऑप्शन आया, फॉर्मेट पिक्चर टूल्स और ड्रॉइंग टूल, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मेट का जो टूल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना सीख चुके होंगे, कंट्रोल इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट करते हैं। तो यदि आपको आज के बाद कभी भी अपने सिस्टम में ऑनलाइन या ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट करना हो तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पिक्चर वाले कॉलम में जाना है। दिस डिवाइस कहने का मतलब कि यदि सिस्टम में पहले से पिक्चर है और उसे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और यदि आप ऑनलाइन पिक्चर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड के फाइल में, तो ऑनलाइन पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखना है ऑनलाइन पिक्चर वाले केस में कि इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। जब तक इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट नहीं करा सकते। चलिए उसके बाद दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उसका नाम है शेप्स। आप एमएस वर्ड में कोई भी शेप्स अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं। जैसे देखिए इस शेप्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम पॉइंटर को जैसे ड्रैग करेंगे उस तरह का शेप बनेगा। इस तरह से आप शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए और भी ज्यादा है, आप चलते हैं शेप पे, इंसर्ट पे चलेंगे। इंसर्ट पे चलने के बाद शेप पे जाने के बाद यहाँ से आप जैसे ये हार्ट का आइकन है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हार्ट का आइकन बन चुका है। अब इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए, इसका भी फॉर्मेट है, लेकिन मैं इस वीडियो में ही फॉर्मेट वाले ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा ताकि आपका एक ही बार में सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जैसे इसमें कलर फिल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें सेव फील्ड में जाकर यहाँ से रेड कलर कर दीजिए और एक और थोड़ा और इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसके लिए क्या कीजिए, आप यहाँ से एक और शेप ले लीजिए, कोई इस तरह का कोई शेप ले लीजिए इसमें से, और देखिए ये शेप लेते हैं देखिए, और यहाँ से इसे ड्रैग कीजिए। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से ये हम शेप के माध्यम से एक आइकन यहाँ इंसर्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से आप शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप शेप के अंदर अगर आप अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस शेप को इंसर्ट कर लेंगे। अब इसमें जैसे हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो उसके लिए इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन में ही एक ऑप्शन है शेप फील और इसमें एक ऑप्शन है पिक्चर। इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो पूछेगा आपको पिक्चर कहाँ से लेना है, तो हमारा पिक्चर जो है सिस्टम में है तो ब्राउज में जाएंगे और दिस पीसी डेस्कटॉप पे मेरा एक इमेज है,
इस इमेज पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से आपका जो ये इमेज है ये इस शेप के अंदर में आ जाएगा। इस तरह से आप इमेज को शेप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पिक्चर के बाद आपने देखा शेप, शेप के बाद अगला है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है? स्मार्ट मतलब कि अच्छा, आर्ट मतलब कला, यानी डॉक्यूमेंट को और अच्छे से कैसे आप सजा सकते हैं। देखिए इसमें जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक पहला ऑप्शन लेते हैं, देखिए इसको लेने के बाद इस पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है पांच तरह का। जैसे अब हमको किसी चीज को क्लासिफाई करना, जैसे नाउन को, नाउन पांच तरह के होते हैं, तो हम इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से हम नाउन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं इसमें। तो देखिए अब ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। बाहर से अगर डॉक्यूमेंट को दिखेगा तो उसे स्पष्ट तौर से दिखेगा कि चलिए ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्मार्ट आर्ट का। इसे डिलीट कर देते हैं। आप उसमें से दूसरा भी शेप कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आसानी से। उसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना होगा स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में आपको दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से ये लेते हैं और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे चार कॉलम बना है, इस चार कॉलम में भी आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप का इस्तेमाल करके कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको अच्छे से सजा सकते हैं। तो शेप के बाद स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट का क्या काम होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को आप अपने एमएस वर्ड के फाइल में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीनशॉट का। देखिए उसके लिए क्या करना है, स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। तो देखिए हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। अब इस तरह से आपको जैसे यहाँ से पूरा पिक्चर रखना है तो जहां से आप सेलेक्ट करके क्रॉप करेंगे वो पूरा का पूरा एरिया एमएस वर्ड में आ जाएगा। देखिए ये पूरा एरिया एमएस वर्ड में इंसर्ट हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट में हमारे डिस्प्ले पे वही आएगा जो पहले से हमारे स्क्रीनशॉट में एमएस वर्ड में वही आएगा जो पहले से हमारे डिस्प्ले पे खुला होगा। यदि आपके डिस्प्ले पे पहले से कोई वीडियो चल रहा है तो यहाँ वीडियो आएगा, पहले से कोई फोटो खुला हुआ है तो फोटो आएगा, या आप जो भी वॉलपेपर यूज किए होंगे वो वॉलपेपर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन क्लिपिंग में जाकर डेस्कटॉप पे जो भी होगा, जैसे सपोर्ट कीजिए उस बार फुल लिए थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ मुझे इस कंप्यूटर का पिक्चर एमएस वर्ड में इंसर्ट करना है तो इतने एरिया को ही कवर करेंगे। देखिए सिर्फ ये हमारे सिस्टम में एमएस वर्ड में इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी डेस्कटॉप पे जो भी फाइल खुला होगा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के क्लास में मैंने पढ़ाया पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना और स्क्रीनशॉट। और इलस्ट्रेशन ब्लॉक में अगला और लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है चार्ट। चार्ट के माध्यम से आप अलग अलग चार्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे चार्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्टॉक है। इस तरह से अलग अलग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट इसे डिटेल में हम लोग एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे क्योंकि एमएस एक्सेल में ठीक इसी चीज को हमें और डिटेल में अच्छे से डेटा को एनालाइज और डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें पढ़ना है। इसलिए इस चीज को हम यहाँ से बस अभी आपको मैंने बताया कि चार्ट क्या होता है, इसे डिटेल में हम लोग एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे। आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एमएस वर्ड का पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, शेप को रिमूव करना और स्क्रीनशॉट लेना। ये सारा का सारा ऑप्शन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप आगे जब ऑफिस में काम करेंगे तो ऑफिशियली वर्क में इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप वीडियो अच्छे से देखे हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग उन्हें भी शेयर करें ताकि उनका भी 100% एमएस ऑफिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को दे दीजिए इजाजत।